आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नामेनक्लेचर, ये जिसको ICBN भी कहते हैं, ये एक्चुअली है क्या? ये है कलेक्शन ऑफ रूल्स रिगार्डिंग साइंटिफिक नामेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। प्लांट के नाम के लिए जो रूल्स हैं उन्हीं के कलेक्शन को ICBN कहते हैं। ICBN वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन 1961, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट रूल्स ICBN का क्या है? अकॉर्डिंग टू बायनोमियल सिस्टम, नेम ऑफ एनी स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स और वर्ड्स। बायनोमियल सिस्टम क्या कहता है कि कभी भी किसी स्पीसीज का जो नाम होता है वो दो शब्दों से बना होना चाहिए। पहला क्या होता है? जेनरिक नेम, जो कि जीनस को डिनोट करता है कि वह ऑर्गेनिज्म किस जीनस में बिलोंग करता है, और स्पीसीज से रिलेटेड जो स्पेसिफिक नेम होता है या स्पेसिफिक एपिथेट है वो क्या आइडेंटिफाई करता है? वो स्पीसीज को पार्टिकुलर जीनस में आइडेंटिफाई करता है। मतलब अगर आप एग्जांपल देखें, सोलेनम ट्यूबरेसम, ये पोटैटो का बोटेनिकल नेम है बायनोमियल सिस्टम के द्वारा, तो इसमें सोलेनम क्या होगा? जेनेरिक नेम, मतलब जीनस को डिनोट करेगा। ट्यूबरेसम क्या है? स्पेसिफिक नेम है जो कि स्पीसीज को डिनोट करेगा। तो ये इनका पहला रूल है, वो क्या है कि दो वर्ड्स का बना होता है। तो बायनोमियल सिस्टम के अनुसार पहला रूल ICBN का ये है कि नेम जो है दो वर्ड्स का बना होना चाहिए। ये नियम क्या कहता है कि किसी भी स्पीसीज का जो नाम होता है वो दो वर्ड्स का बना होता है, जिसमें पहला जेनेरिक होता है और दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है। दूसरा क्या है कि प्लांट नामेनक्लेचर में, मतलब ICBN में, टॉटोनिम्स आर नॉट वैलिड। टॉटोनिम्स आर वैलिड इन एनिमल नामेनक्लेचर, मतलब एनिमल नामेनक्लेचर में तो टॉटोनिम्स वैलिड होते हैं, लेकिन प्लांट नामेनक्लेचर में टॉटोनिम्स वैलिड नहीं होते। टॉटोनिम्स क्या होता है? सेम नेम बोथ एट जेनेरिक लेवल एज वेल एज स्पेसिफिक लेवल। मतलब देखिए यहाँ पे नाजा जेनेरिक नेम भी है और स्पेसिफिक एपिथेट भी है। ऐसा एनिमल नामेनक्लेचर में तो वैलिड है, लेकिन प्लांट नामेनक्लेचर में वैलिड नहीं है। आप सोलेनम सोलेनम नहीं लिख सकते। तीसरा रूल क्या है? जेनेरिक नेम का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा और स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला लेटर है वो स्मॉल होगा। देखिए मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा में एम कैपिटल है, इंडिका में आई स्मॉल है। ये आपका स्पेसिफिक नेम है और ये आपका जेनेरिक नेम है। नेक्स्ट रूल ये क्या कहता है कि जब भी आप फ्री हैंड में साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, लेकिन जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए। ठीक है, तो सेपरेटली अंडरलाइन का मतलब क्या है कि जब आप नाम लिखते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा, तो मैंगीफेरा अलग अंडरलाइन होगा, इंडिका अलग अंडरलाइन होगा। ठीक है, और जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो मैंगीफेरा इंडिका इटैलिक्स में होता है दोनों, जैसे हमने आप ऊपर देखा। देखिए मैंगीफेरा इंडिका ये इटैलिक्स में है अगर प्रिंट हुआ है। अगर इसी को आप हाथ से लिखते, जैसे आप एग्जाम में गए और आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तब अगर पेन से आप लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो इसी को मैंगीफेरा इंडिका को आप तो वहाँ इटैलिक्स नहीं कर सकते हैं, तो मैंगीफेरा इंडिका को अंडरलाइन किया जाता है। मैंगीफेरा को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाथ से जब लिखते हैं तो हम उसको तो इटैलिक्स में नहीं लिख सकते हैं, उसको सीधे ही लिखेंगे, लेकिन अंडरलाइन कर देंगे तो ये डिनोट करता है कि यह साइंटिफिक नेम है प्लांट का और यह ICBN के अकॉर्डिंग होता है। और जिस भी साइंटिस्ट ने प्लांट का नाम दिया है उस साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाता है, लेकिन उसका नाम नाइदर अंडरलाइन होता है और ना ही इटैलिक्स में होता है। ना तो अंडरलाइन होता है और ना ही इटैलिक्स में होता है। जैसे देखिए मैंगीफेरा इंडिका एल, देखिए मैंगीफेरा इंडिका एल, तो इसमें जो एल है, कहीं कहीं आप देखेंगे लिन लिखा होगा, कहीं देखेंगे लिन लिखा होगा, तो ये सब एल हो चाहे लिन हो, ये सब किसके लिए है? लीनियस के लिए। उसी तरह से आपको नाम के पास मिल लिखा हुआ मिलेगा। मिल किसके लिए होता है? मिलर के लिए, मतलब मिलर ने इसका नाम दिया और लीनियस ने इसका नाम दिया। तो यही बात पांचवा रूल ICBN का कहता है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो कोई भी जो साइंटिफिक नेम होता है वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेजेस से डिराइव होना चाहिए, क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस हैं। मेनली लैटिन से
ओरिजिनेटेड होना चाहिए। मेनली लैटिन ओरिजिनेटेड साइंटिफिक नेम्स ज़्यादा दिए जाते हैं। और जब भी कोई साइंटिस्ट नाम देता है तो प्लांट का टाइप स्पेसिमेन है उसको हर्बेरियम में प्रॉपरली इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर रूल के अनुसार एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन के अनुसार प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए, जिससे कि कभी भी फ्यूचर में कोई उसके बारे में जानना चाहता है तो रेफर कर सके। तो होप आपको ये नॉमेनक्लेचर का छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।